असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है कि वैल्यू को असाइन करता है। अब जैसे यहाँ पे क्या ए इज इक्वल टू 5, यानी कि जो 5 जो वैल्यू है ए में जाके असाइन हो जाए। तो अब ये क्या होता है कि जैसे एक हमारा मेमोरी हो गया, मेमोरी का इसका लोकेशन का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैंने ले लिया, इसका नेम हो गया ए। अब यहाँ पे जब 5 होगा तो ये 5 जाके इसमें ए वाले में असाइन हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया। उसी तरह से बी हो गया, तो बी में भी एक मेमोरी रहेगा, इसका भी लोकेशन हो सकता है, लोकेशन मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बी पे 6 है। तो इस तरह से वैल्यू हमारा असाइन करता है, तो इसको हम क्या असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने किसी ने लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे बी में लिखा किसी ने एक्स प्लस बी प्लस ए, अब क्या होगा? तो कभी भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो ये इधर से राइट टू लेफ्ट होता है, इसमें भी यही होगा। तो अब इसकी बात करें बी और सी, तो बी में कितना है 6 और सी में कितना है 3, तो 6 प्लस 3 इज कितना 9, तो यानी कि ए में कितना आ जाएगा 9। तो अब ये जो यहाँ पे 5 है तो 5 डिस्कार्ड हो जाएगा और अपडेटेड वैल्यू 9 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब क्या है कि बी, बी में आप देखेंगे तो एक्स, एक्स में कितना है 4, बी में कितना है 6 10, और ए में कितना है, ए में अभी पहले 5 था लेकिन अब अपडेट हो चुका है, अब कितना है 9, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो गया 19। तो ये जो यहाँ पे 6 स्टोर था ये यहाँ पे 19 हो गया। उसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा मतलब कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये भी कंपाउंड ही हो गया, किसी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके भी हम इसमें असाइन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर राइट साइड में हमारे मल्टीपल एक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन लेफ्ट साइड में कभी भी एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसको एक वैल्यू स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा, इसको बस एक एड्रेस चाहिए जहाँ पे ये वैल्यू जो राइट साइड में कैलकुलेट हो रहा है ये जाके इसमें असाइन हो जाएगा। तो उस तरीके से अब क्या है कि जैसे कोई भी ऑपरेशन हो गया, जैसे बी प्लस, एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया एक्स इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स, हाँ ये एक इम्पोर्ट थोड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे क्या है कि अभी एक्स, एक्स में मैंने वैल्यू जो यहाँ पे इसका 1024x, और एक्स में हमारा जो वैल्यू था कितना था 4 था, इसमें 4। तो अभी मैंने क्या बताया था कि इधर से होता है, ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 16। और अब इधर से बोला यानी कि मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फिर बोडमास टूल अप्लाई होता है, अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर यू रहते हैं तो वो जो होता है बोडमास रूल अप्लाई होता है, जो कि हमने कॉलेज में पढ़ाया, कॉलेज में क्या, हमारे स्कूल में ही पढ़ा है। तो बोडमास जैसे ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18, तो यानी कि अब 18 होके फिर इसी में असाइन हो जाएगा अपडेटेड। ये हमारे जब लूप पढ़ेंगे, लूप कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है 18 स्टोर हो जाएगी। तो ये जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है जो कि वैल्यू को असाइन करता है।